हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग। इस वाले व्लॉग में आप देखने वाले हो विस्तारा का बिजनेस क्लास दिल्ली तक गोवा से, और पहली बार है कि डबलन से मैं बोर्ड करूंगा कोई बिजनेस क्लास फ्लाइट, और लाउंज जो है हम देखने वाले हैं कैसा होगा। और टाटा ने एक्वायर कर लिया, आपको पता होगा विस्तारा इज नाउ अ पार्ट ऑफ एयर इंडिया। तो इस कोलैब के बाद अभी क्या हाल है विस्तारा का, हम प्रॉपर रिव्यू करेंगे इस वाले वीडियो में। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना। अभी अभी गोवा एयरपोर्ट का हुआ है रेनोवेशन, तो भाई बहुत नई चीजें दिख रही हैं मुझे एयरपोर्ट में, खासकर टॉयलेट्स तो भाई 5 times अपग्रेड कर दिए हैं, ये काफी बेटर किए हैं। आपको पता होगा कि अभी मोपा एयरपोर्ट आया है नया गोवा में, जो नॉर्थ गोवा है, GOX है जिसका कोड। सो वो तो भाई वर्ल्ड क्लास बना है। गोवा की गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि डबलिन को इतना पीछे की छोड़े, तो इसको भी इन्होंने डेवलप किया है। वो देखो माला वाला टंगी हुई है वहाँ पे, सारे काउंटर्स जो है ना नए बने। चेक इन कराते हैं बिजनेस क्लास में, आराम से आपको लाउंज में दिखाता हूँ कैसा होता है। सो दिस इज विस्तारा बिजनेस। लाइन बिल्कुल वैसे है नहीं, मैं उम्मीद लेके आया था कि जल्दी चेक इन कर जाऊंगा, जल्दी फ्लाइट बोर्ड कर लूंगा। गोवा डबलिन में लाउंज ही नहीं है, पहला एयरपोर्ट देखा है मैंने भाई जिसमें लाउंज एक्सेस नहीं है गाइस, वो भी गोवा का एयरपोर्ट। मोपा के पहले यही था 100% ऑपरेशनल, मतलब जहाँ पे जहाँ से सारी फ्लाइट जाती थी। इमेजिन करो मतलब कितने साल तक लोगों को लाउंज ही नहीं मिला होगा। अब आपको बताऊंगा मैं प्राइस मैंने कितना पे किया है विस्तारा की इस टिकट के लिए, आप सुनोगे तो बोलोगे भाई लाउंज तो मिलना चाहिए। तो मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने रेनोवेट किया है, देखो माला वाला लगा हुआ है। जब रेनोवेट कर रहे थे तो चाचा लाउंज भी, एक लाउंज भी बना देते लगे हाथ। अगर किसी को फोन चार्ज करना हो तो वो फोन चार्ज भी नहीं कर सकता। मेरे को लग रहा था कि लाउंज मिल जाएगा मैं फोन चार्ज कर लूंगा, वो भी नहीं कर सकता। क्या बोले, जो है तो है गाइज, अब कमेंट करके बता दो। यहाँ पे लगाते हैं फोन चार्जिंग पे, कह रहे हैं 7 बजे शुरू हो गए काउंटर्स। तो ये रहा हमारा विस्तारा का बिजनेस का बोर्डिंग पास। अभी मैं गया चाय पॉइंट, मेरे को लगा चलो कोल्ड कॉफी पी लेता हूँ। 2 चाय पॉइंट है, एक नीचे है, उसमें है ही नहीं कोल्ड कॉफी, ऊपर है। ऊपर जाके कोल्ड कॉफी लेंगे क्योंकि सुबह से निकला हूँ गाइस, मेरे को नींद भी आ रही है बहुत ज्यादा। मेरे को था कि चलो लाउंज में बैठ जाएंगे फोन चार्ज कर लेंगे, मेरी बैटरी नहीं है, ब्लॉग बनाना है। फाइनली सिक्योरिटी इज डन, ये सब देख लो भाई, ये सब चीजें मिलेंगी आपको गोवा एयरपोर्ट पे। ये पुराना वाला है, नया वाला आप देख चुके हो, मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था आपको याद होगा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो ये देख रहे हो कितना ज्यादा खाली है, एक टाइम पे यहाँ पे इतना रश होता था ना, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अब 2 एयरपोर्ट हो गए, आधा बर्डन चला गया है वहाँ पे। ये हाल देखो इस एयरपोर्ट का, मतलब छी यार, जिन्हें खा के ऐसे फेंका हुआ है और कोई उठाने वाला भी नहीं है, पता नहीं कब से गिरा होगा ऐसे। सीट में गंद देखो कितना ज़्यादा है, एक भी सीट बैठने लायक नहीं है। आपको पता है अभी पास्ट में मैंने इतना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, होटल से लेके फ्लाइट से लेके, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो ना तो सही वेबसाइट से बुकिंग करना, जैसे मैंने ये फ्लाइट बुक की या फिर मैंने आने की एयर एशिया में बुक की, तो मतलब सही वेबसाइट से बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मुझ जैसे ट्रैवल कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए। सही वेबसाइट से बुक ना करूँ तो मैं हजारों खराब कर सकता हूँ पैसे, और धीरे करते करते लाखों मेरा एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। मतलब मैं ना अपनी ट्रैवल बुकिंग के लिए यूज करता हूँ वीगो ऐप। मतलब आप लोग बहुत सारे कई बार पूछते हो कैसे बुकिंग करते हो हैरी भाई, आप इंटरनेशनल जाते हो कैसे सबसे सस्ती बुकिंग कर पाते हो, क्योंकि मेरा चैलेंज रहता है कि सबसे रीजनेबल रेट मिले। सो वीगो बेसिकली एक ग्लोबल ट्रैवल एप्लीकेशन है, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए तो बहुत कारगर है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है ना तो अभी जाके कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आप सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्या है, बहुत सारी जो वेबसाइट्स है ना जैसे MMT, क्लियर ट्रिप, booking.com, इन पे सपोज करो आप होटल बुक कर रहे हो, वीगो क्या करेगा, जो भी रेट्स इन सारी वेबसाइट्स में होंगे ना आपको एक जगह पे बता देगा, तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हो और सबसे अच्छी बुकिंग कर सकते हो। तो सोचो कितना ज्यादा पैसा सेव कर लोगे और कितना ज्यादा इंटरनेट सेव करोगे। पहले क्या करते थे आप कि booking.com में जाके देखो, MMT में देखो, कंपेयर करो, दिमाग में याद भी नहीं रहता क्या प्राइस था, फिर जाके देखो, कितना हसल है और इंटरनेट भी कितना यूज होता है। वीगो में आपको सब चीजें एक जगह मिल जाएंगी, नॉट जस्ट होटल्स, फ्लाइट बुकिंग्स भी। अगर आप ट्रेन बुकिंग कर रहे हो ना तो वो भी वीगो ऐप से कर सकते हो, मतलब सोचो कितना कूल है भाई, मैं तो वीगो यूज करता हूँ। तो लिंक है नीचे, उस लिंक से जाके वीगो ऐप को डाउनलोड कर लो और अपनी जिंदगी आसान बनाओ। और बिलीव करोगे 12,000 से ऊपर रिव्यूज हैं ऐप स्टोर में, तो मतलब इतने सारे लाखों लोग, हजारों लोग ऑलरेडी इतना पैसा सेव कर रहे हैं वीगो के साथ। तो भाई आप क्या कर रहे हो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ तो, और हाँ अपग्रेड कर लेना, बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं, वो भी आप उसका यूज भी कर सकते हो। हमारी जो सीट है ना, दैट इज 1F, बाय फार द बेस्ट सीट इन द एयरक्राफ्ट। अभी मैं इस साइड आ गया हूँ, एक सेक्शन बंद कर दिया एयरपोर्ट का, और 9 बजे जो है हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले शायद हम बोर्ड करेंगे। बोर्डिंग का वेट कर रहा हूँ, यही जगह बची थी तो ये कंप्यूटर के सामने बैठा गाइस, और ये मेरा बैग है और ये अपना बोर्डिंग पास।
सो फाइनली द बोर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड और सबसे पहले बोर्ड मैंने ही किया है. तो गेट नंबर 5 है, अब चलते हैं एंड इट्स एरो ब्रिज. सो सबसे पहले मैंने ही बोर्ड किया है, अब देखते हैं भाई क्या एक्सपीरियंस होता है. 1F सीट है. फाइनली बैठ गया एंड दिस इज बिजनेस क्लास ऑफ विस्तारा. भले ही ये A320 है लेकिन इसका लेग स्पेस देखो, अगर आप 1F में बैठते हो तो इट इज क्वाइट गुड. मैगजीन होल्डर सामने है. बोलूंगा कि बस IFS शायद नहीं है, द बेस्ट पार्ट द हैंड रेस्ट, इट्स ह्यूज. मतलब भाई दो लोगों के हाथ आराम से आ जाएंगे, खली का भी हाथ आ जाएगा इसमें. यहाँ से आप रिक्लाइन भी कर सकते हो इफ यू वुड वांट टू. इफ यू प्रेस दिस पैरों के लिए सपोर्ट आ जाएगा. इफ यू प्रेस दिस आप और रिक्लाइन कर सकते हो. आई थिंक अराउंड 180 नहीं तो अराउंड 120 तो कर ही सकते हो. टू योर राइट एक और हैंड रेस्ट मिलता है एंड द बेस्ट पार्ट दिस इज द ट्रे टेबल. और इतनी फैंसी है ना भाई, देखो कितने फैंसी तरीके से निकलती है. बिजनेस क्लास की सीट बेल्ट की लेंथ देखो आप, कितना भी बंदा हो फिट हो जाएगा उसको. एंड हाँ, वाटर बॉटल हमको पहले से पड़ी हुई मिली है. वी हैव दिस पिलो ऑलरेडी केप्ट फॉर अस. फ्लाइट स्टार्ट होने से पहले आपको ये मेन्यू मिल जाता है बिजनेस क्लास का, यू कैन चूज व्हाटएवर यू वांट. और ये भाई लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाती है. तो मैं खाने वाला हूँ कुछ वेज और देखेंगे वेज में क्या है, क्योंकि आज सैटरडे है, मैं आज नॉन वेज नहीं खाऊंगा. डेजर्ट बहुत कमा, दो दो डेजर्ट के ऑप्शन है, इनफैक्ट 3 डेजर्ट के ऑप्शन है. एंड ये सीजनल कट फ्रूट तो मैं खाऊंगा ही. एंड वी हैव कोल्ड बेवरेज, एप्पल जूस लिया है मैंने. एंड लुक एट द प्रेजेंटेशन, इट इज टॉप नॉच. द बेस्ट पार्ट, अगर आप डाइट कॉन्शियस हो ना तो सबके पास कैलरीज लिखी हुई है. पालक में सबसे कम कैलरीज हैं, 312 कैलरीज. तो शायद मे बी पालक मैं ले लूँ एंड इट इज़ हेल्दी. स्टार्टर्स भी हैं गाइस, तो मेन कोर्स ये देख रहे हो ना, मेन कोर्स स्टार्टर्स भी है. बीट रूट फेटा चीज विद सनफ्लावर सीड्स. कॉफी का भी ऑप्शन है, दो दो विंडो सीट मिलती हैं एंड द होल एरिया इज योर्स. द बेस्ट पार्ट, सबसे पहले आप डीबोर्ड करते हो प्लेन. और हाँ, अगर आप सोच रहे हो ना IFS किधर है, विस्तारा IFS वाईफाई के थ्रू प्रोवाइड करता है. आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो उसके साथ एंड यू कैन एंजॉय एवरीथिंग. एंड दीज आर दी मैगजीन. तो जगह की तो कमी नहीं होगी अगर आप बिजनेस में ट्रैवल कर रहे हो. पहली चीज़ तो सीट की विड्थ देख लो, बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक वेरी ब्रॉड. और यहाँ पे भी यू कैन कीप समथिंग इफ यू वांट टू. मैगजीन, अपना बैग, लैपटॉप बैग यहाँ रख सकते हो बेसिकली, इट्स वेरी कूल. पर विड्थ तो देखो भाई, एंड आई थिंक ये पिलो वगैरह इन्होंने अपग्रेड किए हैं, पहले छोटे होते थे, अभी इट्स मोर कम्फर्टेबल, मोर कस्टमाइज. दिल्ली में ना सुबह से ही डिले चल रहा है, उसकी वजह से हमारा डिपार्चर जो है हाफ एन आवर लेट हो गया. प्योर वंडरिंग चार्ज कहाँ करें फोन. मैंने ऑर्डर किया है सब्स कसूरी पालक, फ्रूट्स, मैंगो मूस और डाइट कोक. एंड एक और चीज़, तो दे कॉल योर नेम वाइल आस्किंग द ऑर्डर, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी कस्टमाइज एंड वंडरफुल. हॉस्पिटैलिटी का पार्ट है ये एंड इट मेक्स थिंग्स इवन बेटर. This is the washroom. काफी साफ है, यहाँ पे टिश्यू पेपर वगैरह दिए हैं, टैप है, सोप वगैरह है, लेकिन थोड़ा गीला है. This is my concern. थोड़ा गीला नहीं होना चाहिए यार, मतलब मे बी कुछ उन्होंने स्प्रे मारा हो, डिसइंफेक्टेंट मारा हो. यहाँ पे हैंगर वगैरह भी है, यहाँ पे डक भी चल रहा है, लाइट भी है दो दो. मैंने डाइट कोक मंगवाई थी एंड हियर इट इज. भाई क्या फीलिंग है गाइस, लिटरली मजा आ जाता है, इट्स वर्थ द एक्सपीरियंस. एक बार आप जरूर करना. आई टेल यू द प्राइस और मैंने बुकिंग कैसे की इसकी बिजनेस क्लास की. एंड द बेस्ट पार्ट, ये ट्रे टेबल एडजस्ट होती है प्रॉपरली. अगर आपको दूर रख के खाना है तो दूर रख के खाओ एंड पास करना है तो पास भी कर सकते हो. ये क्लॉथ हमेशा मिलेगा आपको ट्रैवलिंग इन बिजनेस. मतलब ये जो एटिकेट्स फॉलो होते हैं ना और ये जो पूरे प्रोसीजर्स हैं या फिर आप बोल सकते हो SOPs होते हैं बिजनेस के, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड विल लिटरली मेक यू फील स्पेशल. देखो पहले हमारी कोक आई, फिर ये अभी टावल आया, क्लॉथ आया, अब आएगा खाना. दिस मेक इट सो स्पेशल. I don't miss, I don't play none, I don't diss,
A food is here finally, और इतनी सारी चीजें बताने को, I don't know where to start from. तो ये है beetroot salad. It is super super healthy. This is mango vanilla mousse with kiwis and vanilla sauce. This is curd and उसके अलावा ये whole wheat bun है. It's very soft. और इसके अलावा परांठों का भी ऑप्शन था, बट आई डिड नॉट टेक दैट. एंड ये है दाल, एंड दिस इज पालक की कोई सब्जी होगी, और ये है राइस. इतनी सारी चीज़ें होती हैं. इसके अलावा आई एम हैविंग दिस डाइट कोक, और इसको मैंने बचा के रखा हुआ है एंड के लिए. तो एक एक करके टेस्ट करते हैं, एंड देन लेट्स सी सबसे बेस्ट क्या है इसमें. हैवी स्क्रॉलिंग वेप लाइट हैवी स्मोकिंग वी गॉट आवर हेल्दी हैबिट्स वी बीन ऑलरेडी ग्रोइंग इट्स लाइक वी ड्राउनिंग इन इट्स द बेस्ट पार्ट. ये जो कटलरीज हैं तो लग रहा है अभी अभी नई लेकर आए हैं. स्टार्ट करते हैं पहले इस बीटरूट सैलेड से. ये चीज़ है, थोड़ा अलग टेस्ट होगा इसका. चीज़ और बीटरूट सैलेड है. और ये देखो भाई, जब भी मैं खाना शुरू करता हूँ ना, टर्बुलेंस आ जाता है. तो चीज़ और बीटरूट का जो टेस्ट आ रहा है, इट इज़ डैम गुड. और साथ में लेटिस भी है. वेरी फ्रेश और टॉप नॉच. इट्स 10/10 स्ट्रेट. ट्राई करते हैं ये दाल. ये पूरी मील सिर्फ 312 कैलोरीज हैं, तो सोच लो कितनी ज़्यादा हेल्दी है. पालक भी बहुत हेल्दी है. ट्राई करते हैं दाल, देखते हैं दाल कैसी है. नेक्स्ट लेवल गाइज, इट्स अगेन 10/10, जस्ट मेड टू परफेक्शन. ट्राई करते हैं ये पालक बीन. पालक और पीज है ये बेसिकली. ये भी सुपर हेल्दी है. इसको ट्राई करते हैं थोड़ा राइस के साथ. थोड़ी सी दाल ले लेते हैं. लेट्स ट्राई दिस. बेसिकली ये ना बॉयल्ड राइस है, तभी इतने ज़्यादा लाइट लग रहे हैं. एंड दिस बीन्स एंड पालक इज ऑल्सो टू गुड. घर जैसा खाना, हाई 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 क्वालिटी घर जैसा खाना है ये. इट्स वेरी गुड, वेरी फ्रेश. ये जो ब्रेड देख रहे हो ना, इट इज़ एज सॉफ्ट एज अ कॉटन बॉल. तो परांठे लेते आपको बहुत हैवी भी रहते हैं और कड़क हो जाते हैं. कभी आप ट्रैवल करो ना गाइज, सजेशन लेना, ये ब्रेड ही लेना. इट्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी हेल्दी. दिस इज 9.5/10, दाल इज 10. ट्राई करते हैं ये मैंगो मूस साथ में वनीला. दिस इज इसको रेटिंग दूंगा ना, कुछ भी रेटिंग दूं मैं कम पड़ेगा. माइंड ब्लोइंग, झटका लगा मेरे सर पे. और इतना अच्छा है कि सोच रहा हूँ कि ये सब छोड़ के पहले मैं यही खाऊं. 100/10 आई वुड से. दिस इज ओवरऑल फूड. तो खत्म करते हैं इसको एंड साथ में डाइट को, एंड मैं मिलता हूँ आपसे. इतना साफ मैंने पहले कभी नहीं किया. एज क्लीन एज इट कैन गेट. पूरा साफ हो गया गाइस, सिर्फ एक कोक बची है. टी कॉफ़ी का भी ऑप्शन है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी, दार्जिलिंग टी, ग्रीन टी, लेमन टी. बट यू कैन गेट ब्लैंकेट्स टू. तो मैंने ब्लैंकेट ले लिए, आराम से उड़ेंगे और सोएंगे. इसमें भी देखो विस्तारा का लोगो बना हुआ है. और इस सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हो, अच्छा खासा रिक्लाइन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रिक्लाइन कर सकते हो. ये देख डिस्टेंस देख रहे हो, ये लेने का एंड ये लेने का एंड सो जाने का. तो अभी 11:35 हो रहा है. 2 घंटे की फ्लाइट, 1.5 घंटे की फ्लाइट और है. और ये दो दो विंडो शीट में मुझे दिख जाएगा जब दिल्ली आएगा. अब थोड़ा सोता हूँ, आराम करता हूँ, थोड़ा तो फ़ायदा उठाऊँ. इतना कमाल का तकिया है, थोड़ा सा फ़ायदा उठाऊँ. ये बेड शीट है. सो अब चाहो तो आधे घंटे बाद भी चाय कॉफ़ी मंगवा सकते हो अगर मन करे तो. ऐसी कुछ बाउंडेशन नहीं है. ये जो नाइट लाइट्स हैं जो आप देख रहे हो, इट्स ओनली फॉर बिजनेस. तो सिर्फ बिजनेस के कैबिन में नाइट लाइट्स होती हैं, और लगाई हैं इन्होंने नाइट लाइट्स, बाकी दूसरे कैबिन्स में नहीं है. दूसरे कैबिन्स में नॉर्मल लाइट चल रही है. As we shall be landing shortly, please return to your seats. Your seat back is upright. Tray table is closed. Thank you. Really been going back to... I don't miss. I don't play none. I don't diss. I don't say none. I go swish. That's the name one. Yeah.
लगेज आ गया हमारा फाइनली, गोवा से भी हम आ गए। What a trip it has been। अब आप सोच रहे हो कि मैंने टोटल ये टिकट कितने की ली। मैंने टिकट ली है 15,000 रुपीज में, जो कि मैं बोलूंगा बिजनेस क्लास के हिसाब से ठीक है। दिल्ली बॉम्बे जब मैं लास्ट टाइम आया था, आपको याद होगा, एयर इंडिया में, तो मुझे लगभग 21,000 की टिकट पड़ी थी, बट वो फ्लाइट भी 777 थी। तो अगर आप 777 के बिजनेस में ट्रैवल करोगे तो आपको हमेशा एक्सपेंसिव पड़ेगा। मतलब सीरियसली किसी 5 स्टार से कम का एक्सपीरियंस नहीं था। ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इंटरनेशनल भी जाऊँ सारा बिजनेस में, तो आई एम ट्राइंग। जैसा भी कुछ अपडेट होगा विल लेट यू नो। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।